Hey guys, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं लेट से अपडेट के एपिसोड नंबर 27 में सुपर हीरोज से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, जहां रिसेंटली सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी कुछ रिवील किया गया। बाकी अगर आप किसी टॉपिक को पहले से देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कॉमिक कॉन से ही, जहां काफी कुछ रिवील किया गया, जहां पहले तो मार्वल की अपकमिंग सीरीज आई एम ग्रूट का एक ट्रेलर निकाला गया, जिसको कि प्रोबेबली आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बाकी कॉमिक कॉन के अंदर सीरीज के एपिसोड 1 को दिखाया भी गया। आई एम ग्रूट एक शॉर्ट सीरीज होने वाली है, तो इसमें स्ट्रीम होने वाले 5 एपिसोड 10 मिनट की लेंथ के होंगे और सारे के सारे एपिसोड्स एक साथ ही पब्लिक कर दिए जाएंगे। सीरीज के सभी एपिसोड्स के नाम भी रिवील कर दिए गए हैं, जिसको आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। एंड एक न्यू पोस्टर और कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी रिवील किए गए, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस सीरीज का सेकंड सीजन भी अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा ब्रैडली कूपर एज रॉकेट रकून वापस आएंगे आई एम ग्रूट सीरीज के अंदर। इसके अलावा व्हाट इफ सीजन 2 को लेकर भी काफी बड़ी अनाउंसमेंट है। व्हाट इफ का सीजन 2 अर्ली 2023 के अंदर स्ट्रीम होगा। साथ ही साथ कुछ एपिसोड्स के कंटेंट को भी रिवील किया गया, जहां एक एपिसोड के अंदर हेला की स्टोरी को अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। एक एपिसोड के अंदर हमें ओडिन वर्सेस मैंडरिन देखने को मिलेंगे। वहीं एक एपिसोड में कैप्टन कार्टर विंटर सोल्जर से मिलेगी। इसके अलावा व्हाट इफ आयरन मैन वेंट टू सकार इन प्लेस ऑफ थोर, ये स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिलेंगी। एंड साथ ही साथ व्हाट इफ के सीजन 3 को भी कंफर्म कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर की, तो इस सीरीज से रिलेटेड कुछ क्लिप्स कॉमिक कॉन के पैनल के अंदर दिखाई गई, जिनको अभी तक ऑफिशियली नहीं रिवील किया गया। इसके अलावा ये रिवील किया गया कि इस सीरीज में हैरी ओस्पोन, एमेडियस चो एंड निको मिन्यूरो अपीयर होंगे, और इस सीरीज के अंदर नॉर्मन ओस्पोन पीटर के मेंटोर होंगे टोनी की जगह पर। साथ ही साथ ये सीरीज हमें 2024 के अंदर देखने को मिलेगी। एंड इसके सेकंड सीजन को भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है स्पाइडरमैन सोफमोर ईयर। इसके बाद अगर बात करें मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड सीरीज यानी कि मार्वल ज़ॉम्बीज के बारे में, तो वो मार्वल ज़ॉम्बीज का फर्स्ट लुक रिवील किया गया, जो कि अगेन ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ पैनल के अंदर दिखाया गया था। एंड इसके अंदर हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, अलोंग विद कैप्टन अमेरिका, एबोमिनेशन, स्कारलेट विच, अमेरिका शेवर्स और शैंगची, जहां कुछ टीनेजर ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स को सरवाइव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी मार्वल की, भले ही काफी लेट पर इन्होंने अपनी लिमिट्स को पुश किया और इस सीरीज को आर रेटेड अनाउंस किया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि PG-13 में ज़ॉम्बीज को देखने का क्या मजा। इसके अलावा मार्वल ज़ॉम्बीज के इस कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर आप ये चीज देख सकते हैं कि शैंगची के हाथ में सिर्फ 5 रिंग्स ही हैं, और ये चीज हमें अभी नहीं पता कि बाकी की 5 रिंग्स कहाँ होंगी। और इसके हाथ को भी ज़ॉम्बीज ने काटा हुआ है और इसका ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैल तो रहा है, लेकिन इसकी रिंग्स ने उसे रोक रखा है। तो हाँ, हो सकता है कि 10 रिंग्स की और भी पावर्स के बारे में हमें इस सीरीज के अंदर पता चले, जहाँ पर शैंगची के बगल में ही कमाला खान भी खड़ी है। और ये चीजें स्पेकुलेट तो की ही जा रही हैं कि 10 रिंग्स का ओरिजिन और कमाला के बैंगल का ओरिजिन एक ही हो सकता है, तो इस चीज को भी सीरीज और भी अच्छे तरीके से शो कर सकती है। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी हैं कॉमिक कॉन से, जैसे कि एक्समैन 97 सीरीज 2023 के अंदर स्ट्रीम होगी, साथ ही साथ इसका सेकंड सीजन भी अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा एलिजाबेथ ओल्सन यानी कि वांडा और शैंगची भैया यानी कि सिमिल्यू अपने कैरेक्टर्स को वॉइस देने के लिए वापस आ रहे हैं मार्वल की व्हाट इफ सीजन 2 और मार्वल ज़ॉम्बीज के लिए। इन सब के अलावा हेलोवीन स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट एक ब्लैक एंड व्हाइट शॉर्ट सीरीज होगी, और साथ ही साथ शी हल्क का एक न्यू पोस्टर और मिस मार्वल के कुछ अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट्स को भी रिवील किया गया, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा हमें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया का एक फर्स्ट लुक देखने को मिला, जिसके अंदर आप केसी का सूट भी देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ कैंग द कॉन्करर का फर्स्ट लुक भी रिवील किया गया। तो हाँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तो इसके अंदर क्वांटम रियाम को और अच्छे से डिस्कवर किया जाएगा, और इसी के साथ साथ इसके अंदर मार्वल के नेक्स्ट बिग बैड का अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन किया जाएगा, यानी कि कैंग द कॉन्करर। इसके अलावा बात करते हैं थोर लव एंड थंडर की, तो बॉस लेडी सिफ के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स को रिवील किया गया है, और भाई बवाल लग रहे हैं। पता नहीं क्या सोच के मार्वल वालों ने इस सीन को मूवी से निकाला होगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली रीजन हो सकता है VFX, एज इस टाइम पर मार्वल हैवी VFX वाले सीन्स को ड्रॉप कर देता है। तो ग्रेस रैंडोल्फ ने रिवील किया कि मूवी में वैल्करी और लेडी सिफ के बीच में एक लव एंगल दिखाया जाने वाला था, और उनके काफी सारे साथ के सीन्स दिखाए जाते, पर बट ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। साथ ही साथ गोर द गॉड बुचर के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आर्ट्स को भी दिखाया गया। आपको क्या लगता है कि मूवी में कौन सा वर्जन बेटर लगता? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करना। थोर का लोकी को ट्रिब्यूट देने वाले टैटू का एक क्लियर लुक भी हमें देखने को मिला, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो।
इसके अलावा ओमनीपोटेंट सिटी के अंदर प्रेजेंट गोल्डस बास्ट का एक क्लोजअप लुक भी रिवील किया गया, जिसका कनेक्शन वकांडा फॉरएवर से हो सकता है। देन ग्रेस रैंडोल्फ ने कहा कि सीक्रेट इन्वेजन एक सीरियस टोन को पकड़ के चलेगी विंटर सोल्जर मूवी की तरह, जो कि काफी ज्यादा प्रोमिसिंग स्टेटमेंट है। इसके अलावा मार्वल वालों ने काफी इंटरेस्टिंग मूवीज के ट्रेडमार्क्स फाइल किए हैं, जिनसे एमसीयू के फेज 4 और फेज 5 का थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, जिसमें से कुछ मूवीज हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीवर्स सागा और थंडरबोल्ट्स। इसके अलावा कुछ और टाइटल्स और कैरेक्टर्स को भी फाइल किया गया है, जैसे नोमैड, शैंग-ची एंड द रैकेज ऑफ टाइम, ब्लैक नाइट ओरिजिन्स, इटर्निटी वॉर्स, मिडनाइट सन्स एटसेट्रा। तो बॉस, अब जो मार्वल का फेस 4 वीक लग रहा था, इस लिस्ट को देखने के बाद समझ आया मार्वल फ्यूचर को सेटअप कर रहा था, एंड द फ्यूचर इज ऑसम। अब बात करते हैं डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले ब्लैक एडम मूवी से कुछ HD स्टिल्स सामने आए हैं, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। उसके अलावा डीसी कॉमिक्स के CEO जिम ली ने कहा, स्नाइडर कट जैक स्नाइडर का विजन था और वो काफी सेटिस्फाइंग स्टोरी थी, पर स्नाइडरवर्स पर कोई एडिशनल वर्क नहीं किया जा रहा। तो भैया, यहाँ पे फैंस के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज रही, पर हिम्मत नहीं हारना, #RestoreTheSnyderverse। इन सब के अलावा डकोटा जॉनसन की एक सेट इमेज लीक हुई है मैडम वेब के सेट से, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जुजुत्सु काइसिन का सीजन 1 भी कंफर्म हो चुका है, जो कि रिलीज होगा क्रंची रोल पर अपनी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। इन सब के अलावा वैरायटी ने एक हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट निकाली, जिसमें टॉप पर है टॉम क्रूज एंड सेकंड पोजीशन पर है विल स्मिथ, फॉलोड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड ड्वेन जॉनसन ऑन थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन, एंड अपने थोर भाई साहब यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ एट द 7th पोजीशन। इसके अलावा लिस्ट काफी लंबी है। एंड व्हाइल आई वाज मेकिंग दिस वीडियो, कुछ काफी मेजर अपडेट्स हमें देखने को मिले सैन डिएगो कॉमिक कॉन के मार्वल पैनल से, जिसके अंदर शी हल्क का ट्रेलर भी रिलीज किया गया और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का टीजर भी। इस टीजर के अंदर हमें वकांडंस और एटलांटियंस के बीच एक सिविल वॉर जैसा कुछ देखने को मिला, एंड इट वाज काइंड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग वॉचिंग दिस ट्रेलर कि हालांकि सभी फैंस को पता था कि चैडविक बोसमैन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन थ्रू आउट द ट्रेलर एवरी फैन वॉज होपिंग कि चैडविक बोसमैन की एज ब्लैक पैंथर एक झलक हमें देखने को मिल जाए। इसके अलावा 2025 के लिए 2 अवेंजर्स मूवी फाइनलाइज कर दी गई है, जिनमें से एक होने वाली है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और दूसरी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, और ये दोनों ही अवेंजर्स मूवीज हमें 2025 के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा शी हल्क के ट्रेलर के अंदर हमें डेयरडेविल की अपीयरेंस भी देखने को मिली, जो खुद भी अपनी एक सोलो सीरीज के साथ हमें आगे चलकर देखने को मिलेगा, जिसका नाम होने वाला है डेयरडेविल बोर्न अगेन, और इस सीरीज के अंदर हमें 18 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका 4, थंडरबोल्ट्स और ब्लेड मूवी को भी रिलीजिंग स्लॉट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जैसा कि आप इस स्लेट के अंदर देख सकते हैं। इन सभी टीजर्स और ट्रेलर्स के डिटेल ब्रेकडाउन्स और ऐसे ही और भी अपडेट्स को साथ के साथ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ इंटरेस्टिंग या न्यू पता चला हो हमारे इस वीडियो के थ्रू, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी इस चैनल के ऊपर नई वीडियोस आए तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा कैप्टन B2 के चैनल का एक छोटा सा मोटो है, दूसरों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगा के आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।